हरिद्वार में धनौरी के समीप दौलतपुर में एक अनियंत्रित ट्रक के नीचे आने से कांवड़िए की मौत हो गई। गुस्साए कांवड़ियों ने ट्रक को आग के हवाले कर दिया। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। मौके पर पहुंचे एसएसपी एवं अन्य अधिकारियों ने कांवड़ियों को शांत किया। घटना देर रात करीब 10 बजे की है। शिवगुरु धाम आश्रम दौलतपुर के समीप एक अनियंत्रित ट्रक ने सोनीपत हरियाणा निवासी 12 वर्षीय दीपक पुत्र सुधीर नामक कांवड़ियों को रौंद दिया, जिसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। गुस्साए कांवड़ियों ने ट्रक ड्राइवर की जमकर पिटाई की तथा ट्रक को आग के हवाले कर दिया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पाया। गंभीर रूप से घायल ट्रक ड्राइवर को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। मृतक कांवड़िए के शव को पीएम के लिए रुड़की अस्पताल भिजवाकर बमुश्किल गुस्साए कांवड़ियों को शांत किया गया। मौके पर एसएसपी कृष्णा कुमार बी के, एसपी सिटी, एसपी देहात, सीओ बहादराबाद, कलियर थाना अध्यक्ष व भारी पुलिस फोर्स मौजूद रही। प्रेम के झरने हैं, धर्म की किरणें हैं, हवा संस्कारों की, फिजा त्योहारों की, ये मेरा भारत है, ये मेरा देश, ये